हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। नमाज के मुद्दे पर बोले हरियाणा के सीएम, कहा खुली जगह में नमाज सहन नहीं करेंगे। जी हां, कुछ हिंदू समूहों द्वारा गुरुग्राम में नमाज पर बार बार आपत्ति के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खुले स्थानों में नमाज अदा करने की प्रथा को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम पार्टियों से इस तरह की प्रथा में शामिल होकर अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने का भी आग्रह किया। केंद्र सरकार ने कहा पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, भविष्य में जैव ईंधन बनाने पर होगा काम। जी हां, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा कि देश में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पराली के निस्तारण के लिहाज से मशीनों के लिए 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। बकौल मंत्री, भविष्य में पराली से बड़े स्तर पर जैव ईंधन बनाया जाएगा। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा 2014 से 2021 के दौरान रद्द किए गए 4,28,00,000 फर्जी राशन कार्ड। जी हां, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्य सरकारों ने 2014 से 2021 के दौरान 4,28,00,000 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए हैं। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर सत्यापन व सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने फर्जी उपयोगकर्ताओं का पता लगाने में मदद की है। लॉकडाउन फिर आ गया कोरोना, ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में धारा 144 लागू। जी हां, महाराष्ट्र के ओमिक्रॉन संक्रमण के लगातार बढ़ने के साथ 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों या वाहनों की रैलियां, मोर्चा, जुलूस आदि पर अब तटीय शहर में प्रतिबंध है। उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में किसान नेताओं को सम्मानित करेगी गुरुद्वारा समिति। जी हां, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए किसान नेताओं के आगमन पर उनका सम्मान करेगी। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई एसजीपीसी की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ ये भी निर्णय लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर की हुई घोषणा, रोज मिलेंगे लाखों मरीज, लॉकडाउन एकमात्र उपाय। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते आईआईटी के डेटा वैज्ञानिक दल ने दावा किया है कि नए वाले संक्रमण की वजह से कोरोना महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है और इसमें 1 से 1.5 लाख तक मामले प्रतिदिन आ सकते हैं। डेटा वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के बड़े आंकड़े के पीछे ओमिक्रॉन के होने की पूरी संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी साबित होगा बूस्टर खुराक। जी हां, यूके एचएसए ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट से रोग सूचक संक्रमण से 70 से 75% सुरक्षा प्रदान करती है। अपनी नवीनतम तकनीकी ब्रीफिंग में एजेंसी ने कहा कि कोविशील्ड और फाइजर की दोनों खुराक वर्तमान में प्रमुख डेल्टा संस्करण की तुलना में रोग सूचक संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के बहुत निचले स्तर प्रदान करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।